हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे। ये खबर मुझे कुछ दिन पहले पढ़ने को मिली कि सीएसटीएम रैंक्ड सेकंड स्टेशन ऑन वंडर लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग रेलवे स्टेशन। तो मतलब दुनिया के टॉप 10 अमेजिंग रेलवे स्टेशनों में मुंबई सेंट्रल का नाम है। तो जान लेते हैं कि ये कौन से अमेजिंग वर्ल्ड के रेलवे स्टेशन हैं। तो जैसा कि आप ये ट्वीट देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT स्टेशन एन आर्किटेक्चरल मार्वेल इज इन द टॉप 10 अमेजिंग लिस्ट इन द वर्ल्ड। द आइकॉनिक स्टेशन बिल्डिंग इज द ओनली स्टेशन इन द वर्ल्ड हेरिटेज। मतलब ये पूरे भारत के सारे स्टेशनों में सिर्फ ये एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेलवे स्टेशन नॉट यूजली अमंग पीपल्स आइडियल प्लेस टू स्पेंड द डे। मतलब कि ऐसा कोई जगह नहीं होती जहाँ पर हम अपना पूरा डे बिताना चाहें, क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ होती है, क्राउड होती है और लोग यहाँ से जल्द बाहर भागना चाहते हैं। पर कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो आपको एक अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं। दे आर आर्किटेक्चरल ट्रम्प, मतलब इसमें एक आर्किटेक्चरल काफ़ी वेल डिज़ाइन और हिस्ट्री रिलेटेड होती है। तो अब हम देखेंगे टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग रेलवे स्टेशंस। तो इस लिस्ट में पहला है कोलालंपुर रेलवे स्टेशन मलेशिया, और ये 1917 में आर्थुर बेंसियन हबक द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और यहाँ पर कई सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल हैं, कंबाइनिंग अरेबिक, इंडियन एंड यूरोपियन स्कूल्स। इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट इट इट टू बी अ रेलवे स्टेशन। मतलब ये काफ़ी डिफिकल्ट है कि हम इसको एक रेलवे स्टेशन माने, बिकॉज ये एक महल के जैसा दिखता है। विथ ओपनिंग ऑफ न्यू कोलालंपुर रेलवे स्टेशन, दिस स्टेशन नो लॉन्गर अ प्रोमिनेंट वन इन टर्म्स ऑफ कमटर। मतलब जैसे ही न्यू कोलालंपुर रेलवे स्टेशन बना तो ये मेन सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग नहीं रहा, पर इसकी ब्यूटी ने काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया। तो ये आप इसकी कुछ अमेजिंग पिक्स देख सकते हैं। इस लिस्ट में 9वें नंबर पे है खानजावा स्टेशन, और खानजावा का, और ये स्टेशन अपग्रेड किया गया 1898 में। और ये अटेंशन है इसका भी आर्किटेक्चरल को लेकर, इवन दो इट इज़ रेज सम आईवो अपॉन ओपनिंग, बिकॉज रादर मॉडर्न आर्किटेक्चर डिंट सूट द ओल्ड कैसल सिटी। मतलब कि जो इसकी ओल्ड सिटी है, और अगर हम इसको देखें तो वो एक साथ में सूट नहीं करता है। पर ये जापान का वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट रेलवे स्टेशन है, रिनोवेट किया गया 2005 में। इट इज़ पर्टिकुलरली नोटेड दैट जिग्जैनिक ड्रम गेट, ये जो आप इसकी जिग्जैनिक ड्रम गेट देख रहे हैं, हुज लेग्स रिसम्बल सुनामी ड्रम एंड द मेसिव डोम। तो ये सुनामी ड्रम और मेसिव डोम की याद दिलाते हैं। इसकी भी हम कुछ ब्यूटीफुल पिक्स देख सकते हैं यहाँ पर। ये उसका ऊपर से व्यू है नाइट में। अब हम पढ़ते हैं हमारे 8वें नंबर के रेलवे स्टेशन पर, CFM रेलवे स्टेशन मापुटो। तो द ऑफ अफ्रीकन रेलवे स्टेशन इन द लिस्ट, तो ये अफ्रीका में है। द CFM स्टेशन इज इन द कैपिटल ऑफ मोजाम्बिक, इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पुर्तगीज आर्किटेक्ट। मतलब पुर्तगीज आर्किटेक्चर द्वारा इन्फ्लुएंस है, डिजाइन बाय अल्फ्रेडो अगस्तो लिस्बोआ दी लामा एंड मारियो वियेगा एंड फर्नांडे द कोस्टा, एंड इट वॉज फिनिश्ड इन 1916। मतलब 1916 में ये बना था। द स्टेशन ओवर टुक द फेमस वर्कर्स स्क्वायर, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ स्टीम लोकोमोटिव। मतलब यहाँ पर एक स्टीम लोकोमोटिव का भी कनेक्शन है, और इट ऑल्सो सर्व्स अ वेन्यू फॉर कंसर्ट एंड एग्जीबिशन ओकेजनली। मतलब यहाँ पर कॉन्सर्ट्स भी होते हैं और एग्जीबिशन भी होते हैं कभी कभी, ओकेजनली। तो इसके आप ये कुछ ब्यूटीफुल पिक्स देख सकते हैं। तो ये आई गेस बारिश का व्यू है, काफ़ी अच्छा है। अब हम आते हैं 7वें नंबर पर,
ये है सरकेसी स्टेशन इस्तांबुल में, तो डिजाइन बाय आर्किटेक्ट अगस्त जसमुंद, एंड दिस स्टेशन वाज ओपन इन 1890। तो ये ब्रिटिश के टाइम के स्टेशन हैं, लोकेटेड नियर बोस्पोर्स स्ट्रेट। दिस टर्किश स्टेशन इज बिल्ट इन अ मिक्स ऑफ आर्ट ऑफ नोईवाई एंड ओरिएंटल आर्किटेक्चर, यानी नोईवाई और ओरिएंटल आर्किटेक्चर में बना है। द स्टेन्ड ग्लास विंडो एंड क्लॉक टावर आर पर्टिकुलरली नोटेबल फीचर, मतलब जो इसका क्लॉक टावर है और ग्लास विंडो है वो देखने लायक है। और विच वन इज द टर्मिनस फेमस फॉर ओरिएंट एक्सप्रेस कनेक्टिंग पेरिस टू इस्तांबुल, मतलब ये पेरिस से इस्तांबुल को कनेक्ट करता है। अब ये आप इसकी पिक्स देख सकते हैं, ये क्लॉक टावर्स हैं इसमें और ग्लास विंडो है। ये आप यहाँ का आर्ट देख सकते हैं। छठवें नंबर पे है गरेदू नोड पेरिस, तो ये पेरिस का है। अभी हमने देखा इस्तांबुल से पेरिस को जोड़ने वाला वो स्टेशन था। इट गोज विदाउट सेइंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड, तो हम जानते हैं पेरिस को हम मोहब्बत का शहर कहते हैं, काफी अच्छे से डिजाइंड है। और इसी तरह से ये रेलवे स्टेशन भी है। द गेरू नोड ओपन इन 1864, तो ये 1864 में खुला था। इज अ ब्रिलियंट आर्क अचीवमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। इट इज न्यू क्लासिक डिजाइन, मतलब एक न्यू क्लासिक डिजाइन है। कॉम्प्लीमेंटेड बाय द डेकोरेशन दैट अडोर्न इट, मतलब इसका जो डेकोरेशन है वो इसको काफी खूबसूरत बनाता है। दिस इंक्लूड द 23 फीमेल स्टैच्यू इन द फसाड, मतलब इसका जो शुरुआत होता है फेस आपको दिखता है फसाड सामने का हिस्सा, उसमें 23 फीमेल स्टैच्यू है। दैट रिप्रेजेंट डेस्टिनेशन सर्व्ड बाय द रेलवे लाइन, मतलब ये इसको दर्शाता है। इसके आप कुछ ब्यूटीफुल पिक्स देख सकते हैं। इसी लिस्ट में पांचवें नंबर पर आता है आंट्रैप सेंट्रल, आंट्रैप में, तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। आंट्रैप सेंट्रल वाज ओपन्ड इन 1905, मतलब 1905 में खुला था। इट इज एन अमलगेमेशन ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल, मतलब एक संगम है आर्किटेक्चरल स्टाइल का। प्राइमरली डिजाइन बाय लुइस डिलासेन सीरी, द मैसिव डोम ओवर द वेटिंग हॉल इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डिलासेनिरी, मतलब डिलासेनिरी की ब्रेन चाइल्ड, मतलब उनका ही आइडिया था। द ट्रेन सेट वॉज डिजाइन बाय स्लेमेट वैन बोगर्ट, एंड द ग्लास वायडक्ट इन टू द स्टेशन डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट जेन वैन आस्प्रेन। तो दिस वल्जेनियन स्ट्रक्चर, तो ये वल्जेनियन स्ट्रक्चर है, बीन सिलेक्टेड फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन इन मैनी सर्वे, तो मतलब कई सारे सर्वे में इसको चुना गया। तो आगे आप देख सकते हैं इसके कुछ ब्यूटीफुल पिक्स। तो अब हम बात करेंगे हमारे चौथे नंबर के रेलवे स्टेशन के बारे में। ये 1851 में खुला था। दिस स्टेशन नेम्ड आफ्टर नियर बाय चर्च डेडिकेटेड टू अवर लेडी अटोचा, तो अटोचा के नाम पर ये स्टेशन का नाम रखा गया मेड्रिड में। और इट वाज डिजाइन बाय अल्बर्टो दी प्लासियो एलिसगेने एंड गस्टेवे इलिफ। तो व्हाट मेक्स अटोचा स्टेशन यूनिक इज द लार्ज गार्डन। तो ये मुझे भी काफी खूबसूरत स्टेशन इस मायने में रहा कि यहाँ पर ग्रीनरी काफी अच्छी है, रिसेम्बल ऑलमोस्ट अ स्मॉल जंगल, मतलब ऐसा लगता है कि आप एक स्मॉल जंगल में आ गए। बिल्ड अराउंड इट, मतलब इसके आसपास बनाया गया। दिस वॉज डिजाइन बाय द स्पेनिश आर्किटेक्ट रफील मोनियो एंड हाउसेस हंड्रेड ऑफ स्पाइसेस ऑफ प्लानेट एंड रेयर एनिमल, तो रेयर एनिमल के स्टैच्यू और हंड्रेड ऑफ स्पाइसेस ऑफ, आप इसमें ट्रीज और चीजें देख सकते हैं। देर इज ऑल्सो अ मेमोरियल ऑफ विक्टिम्स ऑफ 2004 मैड्रिड बॉम्बिंग, तो जो 2004 मैड्रिड बॉम्बिंग हुई थी उसके मेमोरियल्स, जो विक्टिम्स थे उनके मेमोरियल्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये देखिए आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे गार्डन सा, ये उसका खुला हुआ व्यू है, ये आउटर व्यू है।
अब यहाँ पे आप देखिए, यू विल फील लाइक कि हाँ आप किसी जंगल में आ गए, और काफी अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया। ये देखिए आप, तो कैन यू इमेजिन कि आप स्टेशन पर इतनी ग्रीनरी देखें। होना चाहिए, इंडिया में भी काफी स्टेशंस पर ऐसा होना चाहिए, पर ये अपने आप में यूनिक है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है सेंट पेनक्रास इंटरनेशनल लंदन। तो ये लंदन का है, नोन एज कैथेड्रल ऑफ रेलवेज। तो द सेंट पेनक्रास इंटरनेशनल वाज ओपन्ड इन 1868, तो 1868 में खुला था। इट हैज अंडरगोन रिनोवेशन वेरियस टाइम, मतलब कई बार इसका रिनोवेशन हुआ सिंस देन, बट इट रिटेन्स इट्स ओल्ड चार्म। मतलब कितने रिनोवेशन कर लो, इसका ओल्ड चार्म जाता नहीं है। फेमस फॉर इट्स विक्टोरियन आर्किटेक्ट, इसका विक्टोरियन आर्किटेक्ट है। इट इज डेकोरेटेड मेनी आर्ट वर्क, कई सारे आर्ट वर्क हैं। द स्टेशन आर्ट ट्रेन सेट वॉज लार्जेस्ट सिंगल स्पैन स्ट्रक्चर। तो जो इसका आर्ट ट्रेन सेट है, वो सिंगल लार्जेस्ट स्ट्रक्चर एट ऑल द टाइम है। इट्स फसाड ऑक्यूपाइड बाय री एसेंस होटल, मतलब इसका जो फ्रंट है वो री एसेंस होटल द्वारा ऑक्यूपाइड है। द स्टेशन ऑल्सो हाउसेस न्यूमरस शॉप्स एंड रेस्टोरेंट, मतलब यहाँ पर कई सारे शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ ब्यूटीफुल पिक्स। आप ये देखिए, आपको एक मॉल जैसा फीलिंग देगा। यहाँ पर आप ट्रेन सेट्स खड़े हुए देख सकते हैं। ये देखिए, कई सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, कई सारे स्टैचूज हैं, तो काफी ब्यूटीफुल है। अब हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई की। द ओनली स्टेशन दैट हैज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब ऐसा एकमात्र रेलवे स्टेशन है इंडिया का जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल ट्रम्प, मतलब एक आर्किटेक्चरल का एक जीत का एक नमूना है। डिजाइन बाय फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस इन द ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल मुगल एंड विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर। तो ये इसको मुगल और गोथिक आर्किटेक्ट, विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्ट में किया गया, क्योंकि ये ब्रिटिश द्वारा डिजाइन था। इट वॉज ओपन इन 1888। तो आप देख सकते हैं कितना पुराना है हमारा मुंबई सेंट्रल। इट वॉज फॉर्मली कॉल्ड एज विक्टोरिया टर्मिनस, तो ये इसका नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनस था, हम सब जानते हैं। द स्टेशन नेम्ड आफ्टर मराठा किंग शिवाजी, तो शिवाजी जी के नाम पे किया गया। रिसेंटली मुंबई में दो एयरपोर्ट हैं, दोनों शिवाजी जी के नाम पे किए गए हैं। दिस इज द मोस्ट बिजिएस्ट स्टेशन इन इंडिया, तो इंडिया का सबसे बिजी स्टेशन है। यूज्ड बाय अराउंड 3 मिलियन पैसेंजर्स डेली, मतलब डेली 3 लाख पैसेंजर्स यहाँ पर आते हैं। चलिए हम देख लेते हैं मुंबई सेंट्रल की कुछ अमेजिंग पिक्स। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी लोकल खड़ी है यहाँ पर। ओके, चलिए बात करते हैं नंबर वन पे। तो आप इसको ऐसा मत लीजिए कि नंबर 1 to 10 इट्स जस्ट कि एक लिस्टिंग है और कुछ पैरामीटर्स हैं, बट सारे रेलवे स्टेशंस काफ़ी खूबसूरत हैं और यूनिक हैं। और इसी में पहले नंबर पर है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क का डिज़ाइन बाय द आर्किटेक्चरल फर्म ऑफ रीड एंड स्टेम एंड वॉरेन एंड बेटमोर, तो इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया। दिस रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है इन द वर्ल्ड। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ड्रॉस ओवर 20 मिलियन विजिटर्स इन अ ईयर, तो यहाँ पर 20 मिलियन विजिटर्स एक साल में आते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो मुंबई सेंट्रल हमारा 3 लाख डेली पैसेंजर्स लेता है ट्रैवलिंग के लिए, और यहाँ पर 20 मिलियन यानी तकरीबन 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं हर साल घूमने के लिए। इट इज़ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड विथ 44 प्लेटफॉर्म एंड 67 ट्रैक। मतलब आप सोच सकते हैं कि 44 प्लेटफॉर्म और 67 ट्रैक से यहाँ पर। करंट बिल्डिंग डिजाइन बाय व्यू आर्ट्स स्टाइल, तो व्यू आर्ट्स स्टाइल में डिजाइन की गई है। वॉज कंप्लीटेड इज 1913, मतलब 1913 में कंप्लीट किया गया। वन टाइम इट यूज टू बी अ हाउस आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम, मतलब एक समय यहाँ पर हाउस आर्ट गैलरी और म्यूजियम था। द रेलवे स्टेशन रेगुलरली फाइंड्स द प्लेस इन टॉप लिस्ट, मतलब रेगुलरली इसका नाम आता रहता है टॉप लिस्ट में। इट हैज बीन फीचर्ड मैनी फिल्म इंक्लूडिंग द गॉड फादर एंड मैन इन ब्लैक, तो
जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर आपने गॉडफादर देखी हो या मैन इन ब्लैक देखी हो, आप दोबारा जाके देखना इस स्टेशन को, उसमें दिखाया गया है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ ब्यूटीफुल पिक्स। ये आउटर व्यू है, ये इनर साइड है, ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन है, यहाँ पर टिकट कलेक्शन है। तो इस तरह से आज मैंने आपके साथ कवर किए वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 10 ब्यूटीफुल स्टेशंस। इसमें इंडिया का भी शिवाजी टर्मिनल हमारा सेकंड नंबर पे है, जो कि विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस देखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।